सभी का स्वागत है जी एस24 न्यूज के इस खास सेशन में। तो आज की जो हमारी मेहमान जो हमारे साथ जुड़ने वाली है वो एक इंडियन रेस वॉकर है और साथ ही साथ उन्होंने अभी हाल ही में 20 किलोमीटर्स का रेस वॉक रिकॉर्ड बनाया है और 1 hour 29 minutes and 54 seconds एंड नाउ शी इज क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। तो आइए उनके साथ जुड़ के उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और अगर आपके पास भी कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी रही। और वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर हमें किसी चीज़ की चाहत है तो उसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो हम नमस्कार भावना जी, कैसी है आप? नमस्ते मैम, मैं ठीक हूँ, आपके? हम भी ठीक है। तो भावना जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। आपने आपके प्रैक्टिस के टाइम से ये हमें टाइम दिया तो उसके लिए भी बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जो पहला सवाल जो आपसे पूछूंगी वो है कि आपकी शुरुआती जिंदगी के बारे में बताइए, क्या परिस्थिति रही जब आपने रेस वॉकिंग स्टार्ट किया था? तो शुरुआती जीवन में तो हम लोग बहुत गरीब थे, मतलब रहने का घर भी नहीं था, हम 6 महीने किसी और के घर रहे हैं और बाद में जैसे पापा काम करने लगे तो बाद में हमारा थोड़ा बहुत घर बनाया था और तब हमको पता नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स करूंगी या कुछ ऐसा होगा। और मेरी फैमिली वैसे बहुत सपोर्टेड है, मेरा भैया को क्रॉस कंट्री करता था, उसको बहुत पसंद था गेम करना और मेरे अंकल के वो भी पीटीआई है, वो भी स्पोर्ट्स के थ्रू ही लगे हैं टीचर, तो पहले से हमको स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा पता था। और उसके बाद जो स्कूल में पीटीआई जो सर आए थे उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है तो उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। तो मतलब हम ये मान के चले कि जो आपकी जो पहले की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा वीक थी तो भी आपने कोप अप किया और आप आज यहाँ तक है। हाँ जी मैम। तो मैम आपको रेस वॉकिंग का कैसे पता चला और आपका रुझान इस खेल की तरफ कैसे हुआ? रेस वॉकिंग का ये था कि हमारे तो खेती बहुत है तो हम लोग खेती करते हैं, तो मैं एक्चुअली गाय भैंस चला रही थी ग्राउंड के उधर ही। तो क्या हुआ था कि जो हमारे हीरालाल जी सर जो पीटीआई आए हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे रहते थे, तो मतलब जो टाइम था उनसे पहले आ जाते थे, बच्चों को ग्राउंड पे लेके जाना सब करवाना। तो 2 दिन के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉम्पिटिशन था तो सब लोग को फिट कर रहे थे, कोई 5 किलोमीटर करेगा कोई 10 किलोमीटर करेगा ऐसे, तो मैं वहां बैठ के देख रही थी ऐसी। तो हीरालाल जी सर ने बोला कि क्यों ना तुम भी चलो भावना, मैं बोला सर मैं क्या करूंगी चल के ऐसे, तो सर ने ही बताया कि भावना वॉकिंग खाली है ऐसे ऐसे करके वॉकिंग होता है। मैं बोला सर वॉकिंग की भी क्या इवेंट होता है क्या? बोला हाँ हाँ होता है। तो मैं ऐसे करके बताया हीरालाल जी सर ने, तो फिर मेरे को आ गया था, फिर वहीं से शुरुआत की थी। मतलब जब आपने शुरुआत किया तो मतलब दिमाग में ऐसा आया कि वॉकिंग करना भी कोई स्पोर्ट्स है, ऐसा आपके दिमाग में जरूर आया रहेगा? ऐसा आया और जैसे वो करके बताया तो हंसी आने लगी कि मतलब ऐसे थोड़ा मटक मटक के चलना तो थोड़ा हंसी आया था। जी जी जी। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैंने स्टार्ट किया था पर मुझे शर्म आता था एक्चुअली वॉकिंग करने में, सब लोग मेरे ऊपर हंसते थे। तो मैम आप एक काबरा जैसे छोटे से गांव से है और आपने ओलंपिक तक का सफर तय किया है, तो उसके पीछे किन किन लोगों का सहयोग रहा? उनके पीछे सबसे पहले तो मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टेड है, मतलब गांव के लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि बेटी को क्यों भेज रहे हैं क्या है, फिर भी पापा मम्मी ने कभी मेरे को नहीं रोका और पैसे की बहुत ही कमी रही थी मेरे घर में, फिर भी पापा मम्मी कभी भी मेरे को नहीं बताया कि पैसा नहीं है तुमको नहीं जाना है। जैसे 1 महीने पहले टीचर बता देगा कि ये कॉम्पिटिशन है तो मेरे पापा जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर लेते थे बनिया वगैरह से उधार ला के, तो पापा मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और उसके बाद मेरे कोचेज का भी रहा है, जैसे मैं आगे बढ़ती गई वैसे पहले शुरुआत में हीरालाल जी सर मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले हैं और उसके बाद पंजाब का जो एक कोच है हरप्रीत सर, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया था। मैं इधर बेंगलोर पहले साई में थी तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है और अभी जो फिलहाल में गुरुमुख सर है उनका भी बहुत सपोर्ट है, उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। जी किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे सबसे पहले तो कोच जो होते हैं वो बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो अच्छे कोच का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। तो मैम जो अगला सवाल ये है कि रेस वॉकिंग में आप है तो इस खेल में
कौन कौन सी समस्याएं आती है, कौन कौन सी कठिनाई आती है? रेस वॉकिंग में देखो, हमारा जो मेरा इवेंट है 20 किलोमीटर, वो ज्यादा लॉन्ग इवेंट है। मतलब 20 किलोमीटर, मतलब कभी कभी हमेशा ऐसा होता है कि जैसे ही 14 किलोमीटर होगा, उसके बाद मन में ऐसा आएगा छोड़ दो, आगे नहीं करना है। मतलब ज्यादा लॉन्ग है, फिर भी उसमें थोड़ा टेक्निकल इवेंट है, जैसे नी बेंट नहीं होना चाहिए, जमीन से कॉन्टेक्ट रहना चाहिए दोनों पाँव का, और मतलब टेक्निकल इवेंट है। जिसको टेक्निकल आ गया वही ये इवेंट कर सकता है। ओके, तो मैम अगर कोई भी नया व्यक्ति है या हमारे व्यूअर्स में ऐसे अगर किसी को रेस वॉकिंग स्टार्ट करना है तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? शुरुआत करने के लिए तो स्टार्टिंग में पहले ग्राउंड जाना, अभी तो फिलहाल तो लॉकडाउन है, ग्राउंड मत जाइए। और जैसे लॉकडाउन खुलेगा, कोरोना वायरस खत्म होगा, उसके बाद जैसे जैसे आप ग्राउंड जाना स्टार्ट करिए, और थोड़े दिन रेगुलर ग्राउंड जाने लगे, सुबह शाम रनिंग करने लगे, सब हो गया तो अपना आप समझ में आ जाएगा उसको कौन सा इवेंट करना है, क्या है, या अच्छा कोच को राय ले लीजिए कि सर मेरा बॉडी किस तरह है, क्या है। तो उस तरह आप वॉकिंग करना पसंद करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलना है स्टार्टिंग में, उसके बाद ऐसे स्टेट लेवल ऐसे खेलते खेलते सब होगा। तो मतलब ये रेस वॉकिंग जो स्पोर्ट्स है, इसमें किसी एज का कोई एज क्राइटेरिया है, कोई भी एज का व्यक्ति से शुरुआत कर सकता है? नहीं नहीं, एज अलग अलग कैटेगरी है, 16 अलग है, 14 अलग है, ऐसे 18 है, फिर 20, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग गेम्स होता है। ओके, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग गेम होते हैं। हमारे व्यूअर्स में से भी एक सवाल है, और ये सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, खेल से रिलेटेड भी और नॉर्मल लाइफ में भी? मेरे को खेल से ज्यादा वोटिंग की जो सीनियर प्लेयर है उन्हीं को ज्यादा मानती थी मैं, और उन्हीं के बारे में सोचती थी पूरा दिन, वीडियो देखना, एक दिन मैं भी उनके जैसा बनूंगी। और मतलब कोई भी खिलाड़ी हो, अगर आगे बढ़ना चाहता है तो एक मोटिवेशन के लिए कुछ न कुछ वीडियो देखना ही चाहिए कि मेरा भी सपना होना चाहिए, मैं उसके जैसा बनूंगा, ऐसा है। तो मेरे लिए वो बहुत बेस्ट प्लेयर है, और अभी फिलहाल में मेरे लिए चाइना का जो लियो कोंग है वो ज्यादा मायने रखता है, मैं उनको देखती हूँ 24 घंटे। एक इंस्पिरेशन का जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके हिसाब से? हाँ जी, ताकि उनको ताकि उनको देखकर हम सीख सके। भावना जी, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक बहुत छोटे से गांव से हैं, और एक महिला होने के रूप में एक छोटे से गांव से यहाँ तक आना कितना समस्याओं से घिरा हुआ है? देखो, गांव में से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब फैमिली सपोर्टेड है, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली को बोलते हैं कि लड़की है आखिर कब तक बाहर जाएगी, कहाँ रह रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं, वो सवाल सब उठाते हैं। फिर भी मेरे पापा ने हमेशा इग्नोर किया है, किसी का बात नहीं माना है, और जब भी मुझे जरूरत पड़ी सपोर्ट किया। और मैं तो आज भी यही कहती हूँ कि महिला में बहुत टैलेंट है, पर गांव में अक्सर होता है पर छुपा हुआ रहते हैं, क्योंकि उनको मौका नहीं दिया जाता है आगे जाने का। और अक्सर जो गांव में होते हैं उनको खेत का काम करना, घर का काम करना, ये ज्यादा लगा देते हैं। तो मैं सबको कहना चाहूंगी कि एक बार उनको जरूर मौका दे। जी भावना जी, जो एक कपड़े जो होते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर जो कपड़े पहनता है, कभी आपको उससे लेकर किसी ने कुछ ताना मारा है, या कभी जिंदगी में आपको अनकंफर्टेबल हुआ है लोगों की वजह से उन कपड़ों को लेकर? क्योंकि हम स्पोर्ट्स में देखते हैं जैसे कि बॉक्सिंग में वगैरह, टेनिस में वगैरह, लोग छोटे कपड़े ही पहनते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल भी होते हैं। तो कभी आपको ऐसा हुआ है? शुरुआत में जब हम लोग गाँव में ही प्रैक्टिस करते थे तो सब लोग बोलते थे, हम लोग लोअर पहन के करते थे, हम शॉर्ट्स में नहीं कर पाते थे, क्योंकि सब लोग ऐसे देखते थे लड़की है शॉर्ट्स पहन के कर रही है। तो हम लोग सब लोअर पहन के ही करते थे गांव में। और जैसे ही बाहर आए थोड़ा, जैसे यूनिवर्सिटी, जब मैं कॉलेज में गई थी तो मैं उदयपुर में गई थी बीएन कॉलेज, तो वहां से मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा, वहां से सब लोग ग्राउंड में शॉर्ट्स में दौड़ते थे, और भैया का भी ज्यादा सपोर्ट था, तो फिर स्टार्ट किया था शॉर्ट्स में। स्टार्टिंग में मुझे भी शर्म आता था कि कैसे शॉर्ट्स पहन के भागी, सब लोग क्या बोलेंगे ऐसे करके, सबको देख देख के। जी जी, लेकिन कभी आपने लोगों को इतना जिंदगी में महत्व नहीं दिया, मतलब लोग क्या कहते हैं आपके लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं था? हाँ जी, लोग है ना कि अगर हम अच्छा करेंगे फिर भी लोग तो बुराई करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए लोग ज्यादा ध्यान ना दे अगर कुछ करना है तो। जी, ये बात आपकी बहुत सही है कि अगर लोगों की बात सुन ली तो हम तो हमेशा पीछे ही रहने वाले, कभी आगे नहीं बढ़ने वाले।
तो मैम जो अगला सवाल जो है वो ये है कि आपने आपके खेल को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है? लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या किया, जैसे हमारा गांव जैसे काबरा गांव है तो उसमें कोई दूसरा इवेंट नहीं करता है, पूरे गांव में सब लोग वॉकिंग ही करते हैं अभी भी, क्योंकि सब वॉकिंग पसंद आ गया है, आसपास में जो भी हो गए सब लोग वॉकिंग ही करवाएंगे उनको। तो मतलब आपकी वजह से वॉकिंग इतना फेमस हो गया कि पूरा गांव सिर्फ वॉकिंग पे ही ध्यान देने लग गया आजकल। मतलब मेरे गांव में ही हम लोग दो प्लेयर, मतलब एक प्लेयर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेला हुआ है सोनल सुकुमार, उसकी छोटी बहन है वो भी स्कूल नेशनल खेली हुई है, थर्ड मेडल है, और उसके पीछे जितनी भी लड़कियां हैं, पांच छह लड़कियां ऐसी है जो नेशनल खेल रखी है, वो सब वॉकिंग में है, कोई जूनियर है कोई सीनियर है, अलग अलग कैटेगरी में सब लोग खेल रहा है। तो ये मतलब काबरा गांव का अगर हम बोले तो बेस्ट स्पोर्ट्स भी रेस वॉकिंग ही बन चुका है अभी। जी। और अभी तो मतलब ये बहुत जी, जैसे मैं नौकरी लगी उसके बाद तो सब लोग ज्यादा गेम की तरफ हो गया है, गांव में बच्चे को भी गांव में देखते हैं कि खेल से भी नौकरी मिलता है अच्छा खेलने से, तो उससे ज्यादा और हो रहा है सब। तो अगला सवाल मैं आपको आपसे जॉब से रिलेटेड ही पूछ लेती हूँ कि 2016 में आपको ये टीटी का जॉब मिला था, तो आपके लिए ये जॉब की क्या अहमियत थी? मेरे लिए बहुत ही अहमियत थी क्योंकि मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि घर में पैसा नहीं था, और ऊपर से नौकरी मिला तो बहुत अच्छा मिला मुझे रेलवे में, तो फिर जैसे ही मेरा पेमेंट आना स्टार्ट हुआ तो मुझे और भी थोड़ा सपोर्ट हो गया था। पर क्या हुआ था कि जैसे हमारा रेलवे में होता है कि रेलवे को हम मेडल देंगे तो हमको 330 दिन का छुट्टी मिलेगा, पर मेरा क्या हुआ था जैसे ज्वाइन किया मैं फोर्थ पोजिशन पे हो गई थी, तो मुझे पूरा साल ड्यूटी करने को मिला था, तो मेरा गेम में इतना कर नहीं पाई मैं, 2 साल कंटिन्यू ड्यूटी किया मैंने, और हाफ डे मिलता था, पर मेरा एक छोटा स्टेशन पे थोड़ा दूर ड्यूटी था, वेस्ट बंगाल में मैं जॉब करती थी, उसकी वजह से थोड़ा कम कर पाई। और उसके बाद जब विदाउट पे होके 2 महीना कोशिश किया तो मेरा थर्ड मेडल आ गया था, तो मुझे एक चांस मिला करने का। तो अभी भी आपने जब ये ओलंपिक का जो आपने ये रिकॉर्ड बनाया तभी भी आप जॉब ही कर रही थी बराबर? हाँ जी। तो आपने कैसे मैनेज किया जॉब और प्रैक्टिस दोनों? नहीं, मैं एक्चुअली क्या था कि हमारा जैसे रूल्स है कि मेडल देने पर छुट्टी मिलेगा, तो हमारा क्या जैसे मुझको 1 साल का छुट्टी मिला था, उसमें मैंने इंटर रेलवे को गोल्ड मेडल दिया था, पुणे में हुआ था 2019 में, तो उसके हिसाब से मुझे छुट्टी मिलना चाहिए, पर जो ऑफिसर सर थे तो वो सब सबको नहीं छोड़ रहे थे मेरे को क्या मतलब, तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे विदाउट पे होने पड़ा। उसके बाद अभी सब कुछ ठीक हो गया है, तो मतलब सपोर्ट पूरा करता है रेलवे, मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेयर अच्छे प्लेयर है वो सब रेलवे में ही है, और रेलवे सपोर्ट भी बहुत करता है और मेरा भी किया है, पर तब ये था कि मेरे को ही नहीं सबको नहीं छोड़ रहा था, वो कुछ उनकी वजह रही होगी कुछ तो नहीं छोड़ रहा, तो मैं 3 महीने विदाउट पे होके मैंने प्रैक्टिस किया, और मेरे अंदर क्या है कि मैं जो मेरे में जो मेरी गरीबी स्थिति देखी है मैंने, मेरे लिए मैं वो देख के ही हौसला बढ़ा देती हूँ, जब प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे वो दिखता है कि ऐसे हम थे ऐसे क्या था, तो मेरे लिए वही काफी है, आज उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो आपके लिए जो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन रही है बहुत अच्छा मोटिवेशन बन गया और आज आप बहुत ही अच्छे मुकाम पे भी है उसकी वजह से। हाँ जी। तो अक्सर मैम ऐसा होता है कि लोग पढ़ाई और खेल दोनों के बीच में तालमेल नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, इसके बारे में ये है कि खेल के साथ पढ़ाई भी रखना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि खेल ही खेल करने से ना तो आपको जॉब मिलेगा ना कुछ नहीं, क्यों अगर अच्छा जॉब लगना है तो आपका ग्रेजुएशन होना भी जरूरी है, तो मेरा तो मैं शुरू से कमजोरी थी पढ़ाई में, तो मैं 12th में मैंने फिर भी 62% कर लिया था, तो मेरा अभी BA चल रहा है, और सबको यही कहना चाहूंगी कि खेल और पढ़ाई दोनों साथ ही रखे। मतलब जितना खेल जिंदगी में महत्वपूर्ण है उतना पढ़ाई भी बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो दूसरा जो सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ बहुत कॉमन है, ये है कि हम आए दिन सुनते हैं कि पुरुष और महिलाओं के बीच में भेदभाव होता है, तो मतलब जी तो ये कितना सत्य है और आपने कभी फेस किया है ऐसी सिचुएशन? हाँ, होता है, मैं तो गांव से हूँ तो मैंने तो देखा ही है अक्सर कि अगर लड़के को भेज रहे हैं खेलने के लिए तो लड़की को नहीं भेजेंगे, लड़की आगे जाके क्या करेगी, नौकरी भी लग जाएगी तो दूसरे घर जाएगी, हमारा घर में तो रहेगी नहीं, अक्सर ये देखने को मिलता है। तो महिला पीछे नहीं है बॉयज,
आगे है, फिर भी टैलेंट बहुत है अगर गर्ल्स को एक बार मौका दिया जाए तो। गांव में तो बहुत ही टैलेंट छुपा हुआ है। गांव में तो बहुत ही टैलेंट छुपा हुआ है, ये तो बात मैं आपकी मानूंगी। तो जैसे आपने कहा कि ऐसा होता है कि लड़की तो दूसरे घर जाने वाली है, अगर जॉब भी लग गई तो हमारा तो कोई फायदा नहीं है, तो क्या आपके पापा मम्मी ने कभी ऐसा सोचा है, ये दिमाग में कभी उनकी बात रही है ये? नहीं, मेरे पापा मम्मी कभी ऐसा नहीं सोचा है, और मेरा भैया का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था। पापा को थोड़ा मतलब ऐसा था कि बाहर पढ़ने जाएगी कैसे रहेगी, टेंशन में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इसका शादी जल्दी करवा दो। पापा ने अभी तक भी मुझे शादी के लिए कुछ फोकस नहीं किया है। और जैसे ही मतलब भैया था तो भैया सपोर्टेड था, वो बोला जितना पैसा लगेगा वो सब मैं दूंगा। तो मेरा भैया खुद मतलब बीए करके पढ़ाई छोड़ दिया था, और उसके बाद वो प्राइवेट करने लग गया था, तो उसका सपोर्ट बहुत रहा है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। जी, तो आपके बड़े भाई भी है जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो जो दूसरा सवाल जो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आपके गांव में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया है और आप क्या क्या करना चाहती है? मैं मेरे गांव में महिला के लिए यही करना चाहती हूँ कि ज्यादातर हो जितना स्पोर्ट्स में आओ, फिट भी रहेंगे और फिट भी मतलब अभी नहीं, जैसे ही कोरोना वायरस फिनिश होगा उसके बाद। और मैं जब मैं अच्छा थोड़ा और जैसे ओलंपिक, मेरा टारगेट अभी ओलंपिक मेडलिस्ट लाने का है, ओलंपिक मेडल मैं इंडिया से अच्छे से खेल लूं और मेडल लेके आऊं, तो मैं महिला के लिए पूरा एकेडमी भी करवाऊंगी, मेरा एक सपना है। और महिला में बहुत ज्यादा मैंने देखा है टैलेंट भी है, तो क्यों ना उसको मौका भी दिया जाए। और बराबर मौका। तो रेस वॉकिंग के अलावा ऐसे कौन से स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे एक नया व्यक्ति जा सकता है? जैसे कि अगर मैं बॉक्सिंग की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस डेडिकेशन की जरूरत होती है, रेस वॉकिंग में भी होती है नो डाउट, बट बोलते हैं कि उतना नहीं, जैसे कि उनको खाने पे ध्यान देना पड़ता है, चीजें ध्यान देना पड़ता है, तो रेस वॉकिंग जैसे और कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स है जिनमें लोग जा सकते हैं? नहीं, सभी गेम में मेहनत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वॉकिंग इजी है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते भी है, मैंने देखा भी है कि मतलब वॉकिंग बहुत इजी है, हम लोग भी जा सकते हैं। मेरी कहने का मतलब वो नहीं कि रेस वॉकिंग इजी है, जैसे कि अगर बॉक्सिंग की बात करें तो वहाँ पे आपको कभी कभी मार भी खानी पड़ती है, रेस वॉकिंग में ऐसा नहीं है कि आपको कोई मारेगा, तो उस तरीके से कौन से और स्पोर्ट्स है? ऐसे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स है, जैसे एथलेट में ही बहुत है कि हम भी बॉक्सिंग में थोड़ा ज्यादा वो रहता है कि एक्टिव रहना पड़ता है, और हमारा लॉन्ग ये उसमें क्या हमारे माइंड में चलता रहता है कि हमको क्या करना है कैसे करना है, 20 किलोमीटर जैसे 1 आवर 30 मिनट ऐसा होगा तब तक हम यही सोचेंगे हम कहाँ उठा सकते हैं कहाँ क्या कर सकते हैं, तो उनको सोचने का मौका नहीं मिलता है, वो फटफट किक मारना पड़ता है उनको। तो ये और रेस वॉकिंग के अलावा और कौन से स्पोर्ट्स है जहाँ पे लोग ध्यान दे सकते हैं? रेस वॉकिंग के अलावा बहुत सारे इवेंट है, जैसे एथलेटिक्स में ही अलग अलग इवेंट होता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर सब, और उसके बाद जैसे कबड्डी है, सब गेम है, अलग अलग है सब। जी, तो आपको रेस वॉकिंग के अलावा किसी और स्पोर्ट्स में रुचि है जिसमें आप इंटरेस्टेड है? नहीं, तो मतलब आपका सिर्फ जी, तो मतलब दिल जान सब आपका रेस वॉकिंग में ही आपने दिया है? हाँ जी मैम। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसा कोई किस्सा जो आपको बहुत यादगार हो रेस वॉकिंग से रिलेटेड हो या नहीं, लेकिन कुछ ऐसा यादगार किस्सा आपके दिमाग में है? याद का किस्सा है, जब मैं जूनियर लास्ट जूनियर नेशनल खेलने जा रही थी 2015 में, तब तो मैं बेंगलोर में थी, मैं फिलहाल ही बेंगलोर में ही हूँ इंडिया के में, तो अभी मैं पहले 2015 में यही थी बेंगलोर में, तब रांची में जूनियर नेशनल हुआ था, तो मैं पहली बार अकेला मतलब जाने का ट्रेन में सोचा था, टिकट बुक करवाया, यहाँ से थोड़ा लोकल छोटा स्टेशन है वहाँ पे गई, उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ से मेरा ट्रेन रद्द हो गया है, तो मैं अकेली थी, मतलब इतना डर गई थी, पुलिस को बुलाया, सब रोई सब किया, उसके बाद जैसे ही मतलब 2 दिन के बाद मेरा कंपटीशन था तो मुझे पहुंचना बहुत जरूरी, तो जैसे तैसे करके फिर एक लोकल ट्रेन पकड़ा, उसमें मैं मतलब लेटरिंग के पास बैठ के मैं पूरा रात गई, मुझे पूरा याद है, उसके बाद मैं वहां गई तो मेरा कॉम्पिटिशन में मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी, मैं इतनी फिट थी, मेरी फैमिली भी आई थी, मेरा कोच जो पंजाब के कोच थे वो भी आए थे, और इतनी फिट थी मैं 5 किलोमीटर सबसे आगे चल रही थी, रिकॉर्ड बनाने का भी था मेरा, और उसके बाद मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तो मेरा अभी तक मुझे याद है वो। तो मतलब उसके बाद से आपको और ज्यादा मोटिवेशन आया रहेगा कि नहीं मुझे अभी करना है, एक बार तो मेरा बिगड़ ही गया तो। हाँ जी मैम।
जो आपका जो ओलंपिक में जो आपने भी रिकॉर्ड बनाया है 1:29:54 का, इसके पीछे का जो आपका जो प्रयास रहा वो क्या अथक प्रयास के बारे में आप कुछ बताना चाहिए? उसके पीछे प्रयास सबसे ज्यादा कोच का रहता है, कोच ही बताता है कि हम कहाँ ज्यादा स्लो हो रहे हैं, कब फास्ट हो रहे हैं, कब हमको स्लो फास्ट वर्कआउट करना है, कब क्या करना है। तो सर जो है उन्होंने ही मुझे ये सब बताया है, ओलंपिक के बारे में भी उन्होंने ही बताया था कि तू ओलंपिक का क्वालिफाई कर सकती है। तो मतलब 2019 से वो मेरे को बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा जो मेरे में कमी थी वो सब बताया, पूरा वीडियो करके मेरे को दिखाते थे ये नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, सब कुछ उनका रहा है। और मेरे पापा मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा है, उनकी दुआएं हैं मेरे को यहाँ तक पहुँचने की। जी जी, तो हमारे व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और एक आपके लिए जो क्वेश्चन है ये है कि प्रकाश भाई के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, तो वो हम जानना चाहेंगे कि वो है कौन और उनके बारे में दो शब्द। हाँ भैया है जो सीनियर भैया जो मैं आपको बोल रही थी जिसने पढ़ाई छोड़ दी मेरे पीछे, वो बहुत मायने रखता है कि वो बीपीएड करना चाह रहा था और उसका सिलेक्शन भी हो गया था, पर 25,000 तब मेरे घर में नहीं था फीस जमा कराने के लिए। तो उसने सोच लिया था कि मेरी लाइफ में मेरी बहन को ही आगे बढ़ाऊंगा, तो मेरा भाई है जैसा सबको बहन को भाई मिले, क्योंकि खुद का लाइफ वो करके एक बहन का लाइफ बनाना बहुत मायने रखता है। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मतलब स्पोर्ट्स में भी आर्थिक जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा ही आती है कि मतलब फाइनेंशियल बहुत ज्यादा आती है मैम, क्योंकि स्पोर्ट्समैन होने के लिए उसको डाइट ज्यादा जरूरी है, जब डाइट होगा तभी फाइट होगा। तो ज्यादा डाइट सही है उसके लिए, तो हमारे घर में इतना नहीं था खाने का ये सब। तो मतलब मेरा भैया इसीलिए प्राइवेट जॉब करने लगा कि मेरे पास शूज नहीं थे पहनने के। ये अक्सर हर प्रॉब्लम का, हर खिलाड़ी का प्रॉब्लम होता है कि सबसे पहले उसको जो जरूरत होती है वो नहीं मिलता, बाद में मिलता है, जब वो अच्छा प्लेयर बन जाता है तभी उसको मिलता है, पर जब जरूरत होती है तब नहीं मिलता है। तो मेरा भी यही था, मेरा भैया इसलिए पढ़ाई छोड़ के जॉब करने लगा, पर मंथ 10,000 मेरे पास भेजता था और उसी में मेरा शूज का खर्चा, रूम का खर्चा, डाइट का खर्चा सब मेंटेन करती थी। तो अभी अभी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अभी आपका डाइट प्लान क्या है? अभी तो लॉकडाउन हो गया है तो हम रूम के अंदर ही अपने आप को फिटनेस कर रहे हैं, क्योंकि क्या पता वायरस कब खत्म हो जाए और कब हम ओलंपिक खेले, भगवान करे जल्दी खत्म हो जाए। तो अभी जो ओलंपिक जो अभी होने वाला था समर ओलंपिक 2020 में, तो वो शायद अभी 2021 में हो पाएगा, तो आपको कुछ फायदा हुआ है या आप थोड़ा निराशाजनक हो गए ये जानकर? नहीं देखो, फायदा तो अगर लॉकडाउन नहीं होता हम प्रैक्टिस कर पाते तो फायदा होता, पर अभी तो हम अंदर ही है रूम के अंदर, हम लॉन्ग इवेंट वाले हैं तो बंद कमरे में कितना कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमको ज्यादा इंडोरेंस की जरूरत होती है तो वो हमको नहीं मिल पाएगा, इसलिए मतलब ये ठीक है कि वायरस ज्यादा चल रहा है, लॉकडाउन करना ही अच्छा है और सब जल्दी से ठीक हो जाएगा, इसलिए और मैं अपने आप को फिट कर रही हूँ और सब देखते हैं वायरस। जी बहुत ही बड़ी बड़ी आपको फिट कर रही है। तो एक क्वेश्चन आया था कि गुरुमुख जी के बारे में आप क्या कहना चाहती है? गुरुमुख सर के बारे में कहना चाहूंगी कि वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, 100-200 मीटर करते थे, उसके बाद उन्होंने लॉन्ग प्रैक्टिस लॉन्ग भी इवेंट किया है, उनके बाद उसका इंजरी हो गया था तो वो कर नहीं पाए थे। तो उनका मतलब सपना था कि मैं भावना को इंटरनेशनल बनाऊं, तो उनका सपना मतलब मेरे में देखा उन्होंने और बताया कि तू ही कर सकती है, तेरे में टैलेंट है, मुझे दिन रात सपोर्टेड करते रहे, मोटिवेशन करते रहे, तेरे में ऐसा टैलेंट है, तू उसके जैसा लड़की है, तू ऐसा कर सकती है, तो मेरे लिए बेस्ट कोच है वो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके कोच ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो अभी ये मेरा आज का लास्ट सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और हम कई अच्छी जगह जाते हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि लोगों ने आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की है या कभी आपको नीचा दिखाया है? क्योंकि हम अक्सर टीवी में वगैरह देखते हैं, मूवीज में भी ये देखते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाए। नहीं अक्सर ऐसा तो होता ही है, फिर भी कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ तो।
जी 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 क्योंकि गांव वाले भी सब लोग जान गए थे स्पोर्ट्स होता है तो सब लोग सपोर्ट करने लगे थे, बाद में खुद का भी भेजने लग गए थे ग्राउंड ये सब है, तो मैंने अक्सर ऐसा कभी नहीं देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम काफी टाइम मूवी वगैरह देखते हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ये सवाल पूछा जाए। तो हमारे व्यूअर्स के पास भी अगर कोई भी सवाल है तो आप पोस्ट कर सकते हो, और जो आप हमारे व्यूअर्स के बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहेंगी? अभी तो यही कहना चाहूंगी कि घर के अंदर रहे और फिट रहे, सेफ रहे, और मोदी जी का आदेश का पालन करे, प्रधानमंत्री जी का, लॉकडाउन ना तोड़े, क्योंकि उसमें खुद का ही नुकसान है। फैमिली के साथ रहे या आप लोग छुप के बाहर जाओगे तो फैमिली को ही वायरस होगा, इससे अच्छा घर में ही रहे, सेफ रहे। और सभी लोग से यही करना चाहूंगी कि लॉकडाउन खुलने के बाद स्पोर्ट्स की तरफ आइए, क्योंकि स्पोर्ट्स भी रहेगा और एक आपका टारगेट भी हो जाएगा आगे तक जाने का कुछ। मैं कहना चाहूंगी और मेरे को लाइव देखने के लिए जो आए टाइम निकाला उनको थैंक यू धन्यवाद। हमारे सारे व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब लोग आए हैं, आप उन लोगों से जुड़े, और थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक शायद कुछ कमेंट है जो मैं आपको पढ़ती हूं, मेरे एक स्टेट स्टूडेंट गुरु जी का ही कमेंट है आपके लिए, तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो, धन्यवाद मैम, और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए ताकि हम आपका इंटरव्यू वापस से ले सके, ये हमारी कामना है, हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, धन्यवाद। JS24 News, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।